गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी। और इससे पहले आप लोगों को साइंस ममता मैम पढ़ा रही थी, और ममता मैम ने आप लोगों को लेसन 4 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लेसन 5 से। ओके, ये पढ़ते लेसन 5। लेसन 5 में क्या है? लेसन 5 में हमारा है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवर जिन्हें आप पालते हो, ठीक है, जिन्हें हम घर में पालते हैं, और वो अलग अलग जगह भी रहते हैं, सबका घर अलग अलग होता है, ठीक है। तो होते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स, रीड करते हैं। पर डिफरेंट होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, डिफरेंट यूजेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है, उनके लिए अलग अलग घर होते हैं और उनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं, यानी कि उनके उनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सबके अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो पहले हम ये करते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। पहले हम पहचानेंगे एनिमल्स और उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, कैट लिख लिया हमने। फिर हमारा डॉग, डॉग। ये हमारा क्या है, पैरट। क्या लिखेंगे, पैरट, PARROT, पैरट। फिर हमारा क्या है, ये रैबिट, RABBIT, रैबिट। ये क्या है, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। ओके, ये क्या है, काव, COW, काव। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स, हम लिख लिए नाम। अब हम रीड करेंगे आगे, रीड करते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ओके, कुछ एनिमल्स जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। We keep them on our farms or in the backyards of our homes. We call them domestic animals. ठीक है, उन्हें हम क्या कहाँ रखते हैं, उन्हें हम फार्म्स में रखते हैं या फिर अपने आंगन में, backyards मतलब जो पीछे जो ग्राउंड होता है उसमें रखते हैं, उनके घर में, ठीक है, उनका घर बना के वहाँ पर रखते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, domestic animals, ठीक है। जिन जो जानवर हमारे लाभदायक होते हैं उनका, उन्हें हम फार्म्स में रखते हैं या फिर बैकयार्ड्स में, यानी कि किसी पीछे वाले बैकग्राउंड आंगन में उनके लिए घर बना के उनको वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, मीन्स पालतू जानवर। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज, शिप, गोट्स, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा आर वेरी यूजफुल टू अस। डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि गाय हो गया, भेड़ हो गए, बकरी, घोड़े, ऊंट, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। वी गिव देम फूड एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम। हम उन्हें खाना भी खिलाते हैं और उनकी केयर भी करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स की, ठीक है। और अपने खाना नहीं खिलाओ, उनकी केयर नहीं करोगे तो वो लोग ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है, उनकी भी हेल्थ बिगड़ सकती है। और उनकी हेल्थ बिगड़े तो फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपको भी नुकसान होगा। अब द डिफरेंट होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। अब पढ़ते डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, उनके अलग अलग घर कैसे, सबके घर कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। वी मेक होम्स फॉर मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। हम बहुत से जो डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके लिए हम घर बनाते हैं, ठीक है। होम्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। होम्स जो है उन्हें किससे बचाता है, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और दुश्मनों से, ठीक है। जैसे कुछ जानवर होते हैं जो आपस मतलब लड़ते हैं बहुत, उसी वजह से दोनों सबको अलग अलग घर में रखा जाता है और उन्हें गर्मी, धूप, बारिश सबसे बचाने के लिए घर बनाया जाता है, ठीक है, हम बनाते हैं। ऐसे देखो, हॉर्सेस इन स्टबल। हॉर्सेस का घर कौन सा होता है, स्टबल, ठीक है। हैंस का होता है कूप, मुर्गियों को कहाँ रखते हैं, मुर्गियों को कूप में। काऊ को कहाँ रखते हैं, शेड, गौशाला जो बोलते हैं, गौशाला। शिप पर होते हैं, शिप के घर का नाम क्या होता है, पेन, पेन, ठीक है। तो इनके घर के नाम है, ओके, तो ये इनके घर हैं। और बहुत सारे एनिमल है इनका घर होता है, ऐसे डॉग का कैनल होता है, डॉग कहाँ होता है, कैनल में, ठीक है वो। अब पढ़ते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके यूजेस कौन कौन से होते हैं, वो किस चीज़ में काम आते हैं, ठीक है। फर्स्ट, वी गेट फूड फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, हमें डोमेस्टिक एनिमल्स से फूड मिलता है। अब देखो कौन कौन से एनिमल्स हमें फूड मिलता है। एग्स एंड मिल्क आर एनर्जी गिविंग फूड्स। एग्स, अंडे और जो दूध होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो आप अगर दूध पीते हो, अंडे खाते हो, उससे क्या मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन एंड मिल्क
फ्रॉम काउज एंड बफेलोज। तो हमें अंडे कहाँ से मिलते हैं? मुर्गियों से। और दूध मिलते हैं हमें गाय से, भैंस से, ठीक है? अंडे मिलते हैं मुर्गियों से और दूध मिलते हैं हमें गाय से, भैंस से। वी कैन ऑल्सो मेक कर्ड, घी एंड चीज फ्रॉम मिल्क। हम दूध से क्या क्या बना सकते हैं? दही, घी, पनीर, ठीक है? ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। अगर ये भी आप खाओगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है? तो दूध से हम क्या क्या बनाते हैं? दही, घी, चीज मींस पनीर, ठीक है? सम एनिमल, सम पीपल ईट द मीट्स ऑफ गोट, चिकन्स एक्सेट्रा। कुछ लोग जो होते हैं वो मीट्स भी खाते हैं। मीट खाते हैं किसके? बकरी के मीट, चिकन खाते हैं, ठीक है? फिश आर ऑल्सो हेल्दी टू ईट। फिश भी क्या है? शरीर के लिए लाभदायक है, ठीक है? अगर फिश भी खाओगे शरीर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, ठीक है? तो ये सब भी खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। फिश हो गया, मीट हो गया, चिकन, एग, मिल्क, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। रेगुलर नहीं, कभी कभी खाओ, रेगुलर नहीं, ठीक है? तो देखो, जैसे काव है, बफेलो है, फिश है, एग हमें हैन से मिलता है और मिल्क हमें काव से, बफेलो से, ठीक है, मिलता है। तो हमारा वी गेट फूड फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स। हमारे डोमेस्टिक एनिमल से जो फूड मिलता है वो था हमारा, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, वी गेट फूड फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पे और है, हनी बीज आर डोमेस्टिकेटेड ऑन फार्म्स, ठीक है? हनी बी जो है वो भी फार्म्स में रखे जाते हैं, ठीक है? वो भी डोमेस्टिक होते हैं। दे लिव इज बीहाइव्स एंड मेक हनी। वो लोग कहाँ रहते हैं? बीहाइव्स में रहते हैं। छत्ता होता है मधुमक्खी का छत्ता, वो वहां रहते हैं और वो क्या बनाते हैं? हनी बनाते हैं। क्या होते हैं? हनी, ओके? तो मधुमक्खी समय क्या मिलता है? हनी यानी शहद मिलता है। हनी मीन्स होता है शहद, ओके? बीहाइव्स मीन्स मधुमक्खियां। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीहाइव्स। हमें मधुमक्खियों से क्या मिलता है? हनी मिलता है और वैक्स मिलता है, ओके? हमें क्या मिलता है मधुमक्खी से? हनी एंड वैक्स। तो हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स, हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं वो था हमारा, ठीक है? तो आज हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, ओके? अब हम कल पढ़ेंगे। अब वी यूज देम टू वर्क फॉर अस, क्या काम करते हैं हमारे लिए, ट्रैवल में क्या काम आते हैं, क्या क्या चीज बनते हैं उनसे, ठीक है? ये सब है आज के लिए। फर्स्ट पॉइंट था कंप्लीट, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4.5, 5 DN, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे 2 से लेकर 5 तक पॉइंट्स। आज हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, तो आप लोग जितना मैंने पढ़ाया वो रीड करना है पहले, ठीक है? डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनके घर कौन कौन से होते हैं वो आपको लर्न करना है, ये घर कौन कौन से होते हैं और ये उनसे कौन कौन सा भोजन मिलता है हमें, ठीक है? फूड कौन कौन से मिलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स से। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आगे, ओके? थैंक यू।